ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाणम् मंगलम् भगवान् वीरो मंगलम् वंदे सन्मति सागरम् तज्जयति परम ज्योति समं समस्त रणंत पर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिपलति पदार्थ मालिकायत्र भगवान की अंतिम शासन विश्व प्रभु महावीर भगवान की द्वादशांक जिनवानी माता की चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर जी मुनि महाराज की मम दीक्षा गुरु प्रतस्मणि शांतमूर्ति वस्त्र रत्नाकर आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की आज के मंगल बेला के उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु भव्य जीव आचार्य अमृत चंद्राचार्य विरचित पुरुषार्थ सिद्ध उपाय आणि ह्या पुरुषार्थ सिद्ध उपाय ग्रंथावर चर्या शिरोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जी पुरुषार्थ देशना असा ग्रंथ आणि ह्या ग्रंथावर दुपारच्या सत्रामध्ये आपला स्वाध्याय चाललेला आहे. स्वाध्याय मध्ये आचार्य भगवान सांगत आहे भोज्ञानी देखो भगवान की प्रतिमा को हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं. आप नमोस्तु भी करो तो आशीर्वाद नहीं देते हैं और निंदा भी करो तो नाराज भी नहीं होते हैं. भगवंत समंत पत्र स्वामी ने लिखा है न पूजात स्थई भीतर आगे न निंदया नाथ विवांत वेरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्णा पुनातो चित्तम दुरितांजनेभ्य स्वयंभू स्तोत्रामध्ये 57 नंबरची गाथा स्तोत्र सांगत असताना आचार्य समंत बद्रे स्वामी सांगतात हे प्रभु आप निंदा करने वाले पर बैर भाव नहीं करते हो और प्रशंसा करने वाले पर खुश भी नहीं होते हो. भगवान कसे आहे आचार्य समंतभद्र स्वामी स्वयंभू स्तोत्रामध्ये 24 तीर्थंकरांच्या स्तुतीमध्ये सांगत असताना सांगतात की हे भगवान
तुम्ही निंदा करणाऱ्यांच्यावर वैरभाव ठेवत नाही आणि प्रशंसा करणाऱ्यांच्यावर खुशी सुद्धा होत नाही, क्योंकि आप वीतरागी कोण आहात? तुम्ही वीतरागी आहात। जब तक हर्ष विषाद है तब तक वीतराग भाव नहीं है, आणि जोपर्यंत हर्ष आणि विषाद आहे तोपर्यंत वीतराग भाव नहीं। वीतरागी के हर्ष विषाद कहां और हर्ष विषाद वाले वीतरागी कहां? प्रश्न विचारला। वीतरागींच्या जवळ हर्ष आणि विषाद नसतं आणि हर्ष विषाद असणारे ते वीतरागी कसे असू शकत नाही? वंदना भी करना तो देख लेना कि हमारा वंदनीय कैसा है, इसकी वंदना करने से मैं बंध तो नहीं जाऊंगा, मैं बंधन के लिए वंदना नहीं करता हूं, मैं निर्बंध होने के लिए वंदना करता हूं, वंदन करतो आम्ही, वंदन करत असतो वंदना कुणाला करायचं? वंदना करत असताना तिथं बंध ना हो, तिथं बंधन कर्माचा बंध ना हो, असं याप्रमाणे वंदना करा। मैं बंधन के लिए वंदना नहीं करता, मैं बंधन करून घेण्यासाठी वंदना करत नाही। वंदना असं करा पुण्य आणि पापाचा बंधन बंदच ना हो, अशा वीतराग प्रभू त्या वीतराग प्रभूंना वंदन करा, ते वंदन करत असताना आपला बंधनच ना, पुण्य असो किंवा पाप असो दोन्ही प्रकारचा बंध होणार नाही, अशा ह्या प्रकारे बंधन करा असं सांगत आहे। बंधन करत असताना त्या दो म्हणजे व्यक्तीचे भाव असतात की वंदना करत असताना त्या भगवंताला आपण त्या भावनेच वंदना करत असतो म्हणून इथं सांगत आहेत। वंदन कुणाला करायचं आहे? जिथं बंधच ना होत, आपल्याला बंधच होणार नाही अशा ठिकाणी वंदन करा। वंदन तुम्ही कुठल्या भावनेनं करता? हां, वीतरागतेची प्राप्ती व्हावं हे सुद्धा तुम्हाला बंधनाचे कारण आहे। वीतरागतेची प्राप्ती हो ही भावना ठेवणं सुद्धा बंधनच कारण आहे, जिथं पुण्याचा बंध होत आहे। भगवंतांचे दर्शन करत असताना जे समोर बसलेले वीतराग महावीर अरिहंत प्रभू आहेत, त्या भगवंतांचं दर्शन करत असताना आपल्या मनामध्ये एवढीच भावना पाहिजे, वंदे तद्गुण लब्धे, मी वंदन करतो कशासाठी? मला जे गुण तुमच्यामध्ये आहेत त्या गुणाची प्राप्ती हो, हे आचार्य ब्रह्मास्वामी भगवंतांनी तत्वार्थ सूत्राच्या मंगलाचरणामध्ये सांगितलं। परंतु आपण वंदन करत असताना आपले भाव कसे असणं गरजेचं आहे, दर्शन करत असताना आपले परिणाम कसे असणं गरजेचं आहे, तर ज्या प्रकारे भगवंतांची प्रतिमा आहे आणि भगवंतांची प्रतिमा पाहत असताना दर्शन करत असताना माझा सुद्धा स्वरूप हाच आहे, माझ्या आत्म्याचा स्वभाव सुद्धा हाच आहे आणि ह्या स्वरूपाच्या प्राप्तीसाठी माझा प्रयत्न असणं गरजेचं आहे, ह्या प्रकारे जर तुम्ही भावना ठेवून जर दर्शन करत असाल तर तिथं तुम्हाला बंधन होणार नाही, तो पापाचाही होणार नाही, पुण्याचाही होणार नाही, शुभाचाही होणार नाही, अशुभाचाही होणार नाही। स्वरूप काय आहे? स्वरूप माझा काय आहे? माझ्या आत्म्याचा स्वरूप काय आहे? ज्या प्रकारे तुमचा आत्म्याचा स्वरूपाला तुम्ही प्राप्ती करून
मुक्तीचा धारक बनला, त्याच प्रकारे माझ्या आत्म्याचा सुद्धा स्वरूप आहे। त्या स्वरूपाच्या प्राप्तीसाठी जर माझा पुरुषार्थ असेल, प्रयत्न असेल, तर मला कुठलेही बंधन होणार नाही। हे फक्त आपण जोपर्यंत लक्षात ठेवणार नाही, हे जोपर्यंत आपल्या लक्षामध्ये येणार नाही, तोपर्यंत आपले बंधन चालू आहे। मग या बंधनापासून मुक्त होण्यासाठी आपल्या स्वरूपाला जाणणं फार गरजेचं आहे। काय स्वरूप आहे आपलं? मगाशी सांगितलं जननपश्य। कुणाला पाहायचं आहे? हा, माझ्या आत्म्याला पाहायचं आहे। वितराग भगवंतांच्या प्रतिमेने नाव, बाहेरच्या वितराग भगवंतांना नाव। आचार्य कुंदकुंद भगवान सांगत असताना सांगितलेलं आहे, हे पंच नमस्कार सुद्धा आपल्याला पर आहे। पंच नमस्कारामध्ये असलेले जे पाच परमेश ते आहेत, हे सुद्धा मला पर आहे, हे सुद्धा व्यवहार आहे। आणि व्यवहारामध्ये जितकं दिवस मी आहे, तितकं दिवस मला बंधच आहे। बंधापासून मुक्त मी कधी होणार आहे? ज्या वेळा मी माझ्या स्वस्वरूपामध्ये लीन होईल, ज्या वेळा मी निश्चयमध्ये लीन होईल, त्यावेळा मी बंधनापासून मुक्त होणार आहे। बंधन और वंदन, वंदन जहां करो वहां बंधन ना हो। वंदन जिथं करा तिथं बंध ना हो। वंदनचा अर्थ काय घेतला तर फक्त आपण नमोस्तू तेवढंच घ्यायचं नाही, तर वंदनाचा अर्थ दर्शन सुद्धा घ्यायचं आहे। माझ्या स्वरूपाला पहा आणि माझ्या स्वरूपाला जाणा हे बिना बंधनाचं कारण आहे। बंधन होणारच नाही तर ह्या प्रकारे आचार्य भगवान इथं सांगत आहे, मैं बंधन के लिए वंदना नहीं करता, मैं निर्बंध होने के लिए वंदना करता। मी वंदना का करतो? निर्बंध होण्यासाठी, निर्बंध बंधनापासून रहित होण्यासाठी मी वंदना करत असतो। भोज्ञानी, हमारा आगम ज्ञान से मोक्ष नहीं मानता है। हमारा आगम ज्ञान से मोक्ष नहीं मानता है। कभी भी भूल कर ज्ञान मात्र से मोक्ष मत कह देना। आपला जो आगम आहे फक्त ज्ञानानच मोक्षाची प्राप्ती होतं असं कधीही मानत बसू नका। ज्ञान से मोक्ष नहीं होता है, ज्ञानाना मोक्ष होणार नाही आपल्याला। आपको याद होगा कि जब हाथी के पग तले बेटे की मृत्यु को सुन सेठ मूर्छा खाकर गिर गया, और जैसे ही एक छात्र दौड़ते दौड़ते आया और बोला, सेठ जी वह तो पड़ोसी का बच्चा है, तो उनकी मूर्छा भंग हो गई। बघा, एक शेठजी होता आणि शेठजीचा मुलगा गल्लीमध्ये खेळत आहे। खेळत असताना त्या गल्लीतून एक हत्ती चाललं होतं आणि त्या हत्तीच्या पायाखाली एक मुलगा घाऊन तो मृत पावला, मरण पावला। मरण पावल्यानंतर कोणीतरी म्हटलं, काय म्हटलं, शेठजी तुमचा मुलगा हत्तीच्या पायाखाली येऊन मरून गेला म्हणून। ते ऐकल्या ऐकल्या त्या शेठजीला मूर्छा बेशुद्ध होऊन पडला तो। आणि काही क्षणानंतर एक छात्र एक मुलगा आणि पळत येतो आणि शेठजीना म्हणतो, शेठजी घाबरू नका, तो तुमचा मुलगा नाही, शेजारचा मुलगा होता। शेठजीचा बेशुद्ध अवस्था काय झाली? भंग झाली, तो बेशुद्धीतून बाहेर आला। ह्या प्रकारे बोले मोक्ष हो गया, ज्ञान होते ही मोक्ष हो गया। यह बौद्ध दर्शन कह रहा है कि बोधि होते ही मोक्ष हो गया। बौद्ध दर्शन का संता ज्ञानानच मोक्ष झालं। हाथी के पग तले बेटे की मृत्यु को सुनकर मूर्छित हुआ, परंतु मेरा बेटा नहीं है ऐसा सुनकर मूर्छा भंग हुई। इसमें दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों थे। बेटा आपका नहीं था ये ज्ञान हुआ, मुलगा तुमचा नव्हता हे ज्ञान झालं।
जैसे ही श्रद्धा बना कि हाँ मेरा नहीं था तो मूर्छा भंग हो गई। मोह का छोटा चारित्र था, इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में चारित्र की चर्चा की। प्रवचन सार मध्ये कुंद कुंद भगवान चारित्राची चर्चा केली। चर्चा करत असताना सांगतात, प्रवचन सार मध्ये 7 नंबरची गाथा सांगत असताना सांगतात, चारित्रं खलु धम्मो धम्मो जोसो समोत्ति निद्दिट्ठो मोहको विहीनो परिणामो अपनो समो। भूज्ञानी मोह अर्थात दर्शन मोह, क्षोभ यानी चारित्र मोह, मोह अर्थात दर्शन मोह आणि क्षोभ यानी चारित्र मोह। दर्शन मोह और चारित्र मोह से रहित परिणाम जिस जीव के हैं उसका नाम संयमी है। संयमी जी व्याख्या सांगत असताना आचार्य भगवान सांगत आहेत कि दर्शन मोहनीय आणि चारित्र मोहनी पासून जे रहित परिणाम असणारा जो जीव आहे त्या जीवाला संयमी म्हटलं, उसका नाम संयमी है। दर्शन मोह एवं चारित्र मोह चल रहा है, उसका नाम संयमी की पूर्णता का नाम, उसका नाम संयम नहीं है। जिसका चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी चल रहा है उसका नाम संयम नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, ज्ञान से मोक्ष नहीं होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों की एकता की पूर्णता का नाम मोक्ष है। इसलिए जैन संस्कृति आत्मा के क्रमिक विकास की संस्कृति है। ध्यान रखना, निर्मल पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ है, निर्मल पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ है। उस मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि जिसे हो जाए वही पुरुषार्थ सिद्धि है। आणि त्या मोक्ष पुरुषार्थाची सिद्धी जे करतात त्यांनाच पुरुषार्थ सिद्धी असं म्हटलेलं। उस पुरुष के अर्थ की सिद्धि का हेतु चारित्रम खलु धम्मो है। आणि त्या पुरुषार्थाची सिद्धी आहे, जे पुरुष आहे त्या पुरुष के अर्थ की सिद्धि का हेतु चारित्र खलु धम्मो है। चारित्र के अभाव में महान नहीं बन पाओगे। ज्ञान भरपूर आहे, श्रद्धांतर अटूट श्रद्धा आहे, परंतु चारित्राच्या अभावामध्ये तुम्हाला महान बनता येणार नाही, महान म्हणता सुद्धा येणार नाही। आप कम से कम अनुव्रत स्वीकार कर लेना, क्योंकि अमृतचंद स्वामी ने शर्त रख दी है कि इस ग्रंथ को तभी सुने जब आप अष्टमूल गुणधारी हो। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी सांगत आहे, हे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो ग्रंथ आहे हा ग्रंथ तुम्ही त्याच वेळेला ऐका ज्या वेळेला तुम्ही अष्टमूल गुण धारण केलेला असता। इतनी बड़ी शर्त लगाने वाला यह पहला ग्रंथ है, आणि एवढी मोठा शर्त लावणारा ग्रंथ जो आहे हा सर्वात पहिला ग्रंथ आहे। ग्रंथराज षटखंडागम में उल्लेख है कि जब तक महाव्रती नहीं बनोगे तब तक आप इसे अध्ययन नहीं कर सकते हो। षटखंडागम ग्रंथामध्ये सांगितलेला आहे कि जोपर्यंत मी महाव्रती नहीं बनणार तोपर्यंत ह्या ग्रंथाचा अध्ययन करणारी योग्यता तुमच्याजवळ असणार नाही। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं कि जब तक अनुवृत्ति नहीं बनोगे तब तक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नहीं सुन सकते। जो पर्यंत तुम्ही अनुवृत्ति नहीं बनणार तो पर्यंत तुम्ही पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ ऐकण्याची योग्यता तुमच्याजवळ पात्र असणार नाही। बात को समझना, मोक्ष मार्ग 14वे गुणस्थान तक चलता है और जिस दिन मार्ग की पूर्णता हो जाएगी उस दिन हे मार्गी तू मोक्ष प्राप्त कर लेगा।
इसलिए कल्पनाओं में मोक्ष का आनंद मत लूटना। फक्त कल्पना करू शकता तुम्ही तथा आणि कल्पना मध्ये मोक्षाचा आनंद तुम्ही फुडकत बसू नका। यदि ज्ञान से मोक्ष मानोगे तो आप जैन दर्शन में नहीं रहोगे। फक्त ज्ञानानच मोक्ष मिळतो असं जर मानत बसला तर तुम्ही जैन दर्शनामध्ये नाही। समयसार आदि ग्रंथों में ज्ञान से मोक्ष कहा है। समयसार आदि ग्रंथामध्ये ज्ञान से मोक्ष कहा है, कुठा है? ज्ञानाने मोक्ष होतो असं समयसार आदि ग्रंथामध्ये सांगितलं आहे का? नाही। सम्यक्त से भी मोक्ष कहा है आणि सम्यक्त पासूनच मोक्ष होतो असं कुठं आहे का? चारित्र्य से भी मोक्ष कहा है आणि चारित्र्यानेच मोक्ष होतो असं सुद्धा कुठं नाही। हो चेतन, अध्यात्म ग्रंथ अभेद की बात करते हैं। अतः सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय से मोक्ष होगा, अन्यथा मोक्ष नहीं है। इसलिए मोक्ष तो एक ही है। मोक्ष क्या है? एक है। आचार्य उमा स्वामी ने सूत्र को बड़े हिसाब से लिखा है। आचार्य उमा स्वामी भगवान तत्वार्थ सूत्र मध्ये जो पहिला अध्याय आहे आणि पहिला अध्याय मध्ये प्रथम सूत्र जो आहे ते सूत्र सांगत असताना पार म्हणजे पार हिसाब ठेवून तो सूत्र दिलेला आहे। कुठला? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथकर्ता जे आचार्य उमा स्वामी भगवान आहे ते सूत्र सांगितलेले आहे। प्रथम सूत्र आहे, ग्रंथाचा प्रारंभ सूत्र आहे आणि त्या ग्रंथामध्ये सांगितलेलं आहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्गाचा प्रारंभ कुठं होतो? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आणि सम्यक चारित्र ही तिन्हीची एकता ज्या वेळेला होतो त्यावेळा मोक्षाचा मार्ग प्रारंभ होतो। म्हणून इन तीनों की एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। ह्या एकाला सम्यक दर्शनाला मोक्ष नाही, फक्त सम्यक ज्ञानाला मोक्ष नाही आणि फक्त सम्यक चारित्र्यानेच मोक्ष कधी होऊ शकत नाही। तिन्ही जर एक असेल, तिन्ही एकाच व्यक्तीला जर प्राप्त असेल तर मोक्ष मार्ग प्रारंभ झाला, अन्यथा मोक्ष मार्ग नाही। म्हणून आचार्य भगवान इथं सांगत असताना आपल्याला सांगितलं चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जोसो समुत्तीनि तिट्टो मोहको हो विहीनो परिणामो अपनो हो समो। आज विषय सुरुवात होत आहे 12 नंबरची कारिका आणि 12 नंबरच्या कारिकामध्ये बंध निर्बंध दशा ह्या विषयावर आचार्य भगवान चर्चा करत आहे। बंध निर्बंध ह्या दोन प्रकारची दशा काय काय आहे त्या विषयावर चर्चा इथं करणार आहे। जीव कृतं परिमानं निमित्त मात्रं प्रपद्य पुनरन्ने स्वयमेव परिमत्तेत्र पुद्गला कर्म भावेन। जीव कृतम, जीव के किए हुए परिणाम राग आदि परिणामों का निमित्त मात्रम प्रपद्य निमित्त मात्र पाकर पुनः फिर अन्य पुद्गला जीव से भिन्न अन्य पुद्गल स्कंद हैं वे अत्र स्वयमेव आत्मा में अपने आप ही कर्म भावेन ज्ञानावरणादि कर्म रूप से परिणमते परिणमन कर जाते हैं। जीव कृतम, जो जीव आहे आणि त्या जीवाने केलेलं जे परिणाम आहे जे राग आदि जे परिणाम आहे त्या राग आदि परिणामाच्या निमित्त मात्रान पुनः अन्य पुद्गला जीव से त्या जीवाना
भिन्न अन्य उद्गल स्कंद है। जीव से भिन्न अन्य उद्गल स्कंद है, वे अत्र स्वयमेन आत्मा में अपने आप है, आत्मा मध्ये अपने आप आहे। कर्म भावेन आणि ज्ञानावरणादी जे आठ कर्म आहेत, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय मोहनीय आयु नाम गोत्र आदि जे आठ कर्म आहे, ह्या आठ कर्म रूपेन परिमन्ते परिणमन्ते जे परिणमन करत आहेत। भो मनुष्यो, ज्ञान चेतना यदि निर्मल हो तो परमात्म तत्व दूर नहीं है, और जहां ज्ञान का विपरीत परिणाम हुआ समझ लो कि मेरा मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो गया। इन अर्थ करो, ज्ञान चेतना यदि निर्मल हो तो परमात्म तत्व दूर नहीं है। ज्ञान चेतना नमदु निर्मल इतंद्र, ज्ञान चेतना आपला निर्मल असेल तर परमात्म तत्व दूर नाही आपल्यापासून। जहां ज्ञान का विपरीत परिणाम हुआ आणि जिथे ज्ञानाचा विपरीत परिणाम झालं समझ लो कि मेरा मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो गया। म्हणजे ते काय समजायचं, मोक्ष मार्ग आपला काय आहे अवरुद्ध, म्हणजे विरुद्ध दिशेला आपण चाललेलं आहे, विरुद्ध दिशेने जात आहे। ऐसा चिंतवन जीव को विशालता देता है, और यही चिंतवन जीव को संकुचन भी देता है। आत्मा वही है, अन्यत्र नहीं गई, पर संकुचित चिंतक तो नीचे चला और विशाल चिंतक सर्वज्ञ हो गया, क्योंकि चिंतन की धारा विशाल थी, समदृष्टित्व भाव था, प्राणी मात्र के प्रति एकत्व भावना थी तथा स्व के प्रति अभिन्नत्व भावना थी। भिन्नत्व में अभिन्नत्व देखना और अभिन्नत्व में भिन्नत्व देखना, यही तत्व की सबसे बड़ी भूल है। समझ रहे क्या सुलभ, अभिन्नत्व में भिन्नत्व देखना और भिन्नत्व अभिन्नत्व देखना, यही तत्व की सबसे बड़ी भूल है। ज्ञान दर्शन तेरा अभिन्न स्वभाव है, उस पर तेरी अभिन्नत्व अभिन्न दृष्टि नहीं है, और पौद्गलिक पदार्थ तेरे से अत्यंत भिन्न है, उन पर तू अभिन्न दृष्टि से अभिन्न दृष्टि की है। यह सबसे बड़ी तत्व की भूल है, यह ज्ञान के विपरीत परिणमन का प्रभाव ही है कि यह जीव संसार में गोते खा रहा है। आत्मा से जो भिन्न है उस भिन्नत्व पर तुम अभिन्नत्व की दृष्टि से देख रहे हो, जो भिन्नत्व से अभिन्नत्व है। बहुत अच्छे से समझा रहे हैं यहां पर आचार्य भगवान। अभिन्नत्व यानी आत्मा, आत्मा के गुण आपसे अलग है क्या? आत्मा के जो गुण हैं आत्मा से अलग है क्या? वो नहीं है। और जो पर द्रव्य है, जो बाह्य द्रव्य है आत्मा से अलग द्रव्य है, वो कभी आपसे आत्मा के पास रहते हैं क्या? नहीं रहते। लेकिन हमारी दृष्टि ऐसी बनी हुई है, जो भिन्नत्व है आत्मा से अलग है उन पर हम अभिन्नत्व दृष्टि से देख रहे हैं। वो मेरे है, वो मुझे चाहिए, वो मेरा ही है, मेरे से भिन्न ना हो, ऐसी जो विपरीत दशा हम आज तक करके बैठ रहे हैं वही संसार में गोते खाने की निमित्त है। क्या आपका है? आप किसके हो? आप किसके हो और आपका क्या है बताओ? आपका कुछ भी नहीं है। जो संसार की अपेक्षा से पर द्रव्य है, पर पदार्थ है, पर वस्तु है, जो कुटुंब है, परिवार है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, जो कुछ है
वो सब आपसे परे है, लेकिन आप उसे अभिनव दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए संसार की गोते में फंस रहे हैं, इसलिए संसार में भटक रहे हैं। जिसे पर करना चाहिए था उसे आप स्व कह रहे हो, और जिसे स्व कहना चाहिए था उसे आप पर कह रहे हो, तो विपरीत दशा है कि क्या दशा है? क्या दशा है? विपरीत दशा। जो मेरा नहीं है उसे आप मेरा कह रहे हो, क्या आपका है बताओ? आपका तो बहुत है, कुछ नहीं कह नहीं सकते अम्मा, आपका तो बहुत है। जो ज्ञान चेतना, जो ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है वो सिर्फ आपका है, लेकिन जो जानने वाले वस्तु है, जो देखने वाले पर वस्तु है, उसे आप अपना कह रहे हो, वो कभी अपना नहीं हो सकता। दीक्षा होने के बाद प्रथम चतुर्मास शिरोदवाड़ में चतुर्मास चल रहा था, और उस चतुर्मास में मैंने एक सेंटेंस लिखा था, बहुत चिंतनीय विषय हो, जिसे आप अपना कर रहे हो वो अपना नहीं एक सपना है, जिसे आप अपना कर रहे हो वो अपना नहीं एक सपना है। सपना कभी अपना नहीं होता, सपना कभी अपना नहीं होता, फिर भी ये जीव सपने को अपना मान रहा है, फिर भी ये जीव सपने को अपना मान रहा है, इसलिए ये जीव इस संसार में भटक रहा है। जिसे आप अपना कर रहे हो वो अपना नहीं एक सपना है, सपने को ही अपना मान रहे हो आप, और सपने को जब तक आप अपना मानोगे तब तक आपका संसार छूटेगा नहीं। छूट सकता है क्या बताओ? नहीं छूटेगा। संसार को छोड़ना है कि नहीं? संसार को छोड़ना है कि नहीं? छोड़ना है तो सपना अपना नहीं हो सकता, ये समझ लो। जो दृश्य में दिख रहा है, जो पर वस्तु है, जो मेरे चक्षु दृष्टि से मैं आज तक देख रहा हूं, ये सब एक सपना है, ये सब एक सपना है, और इसे ही हम अपना कहकर बैठे हैं, यही मेरा है ऐसे धारणा धरकर बैठे हैं, इसलिए संसार से हम अलग नहीं हो रहे हैं, संसार से इसलिए हम अलग नहीं हो रहे हैं। अलग होने की कोशिश करना जरूरी है, किसे? सपना से। सपना से अलग होने की जरूरी है। अलग हो जाओ तो क्या होगा? भिन्नत्व दृष्टि प्रकट हो जाएगी आप में। भिन्नत्व दृष्टि प्रकट करो। अनित्यानि शरीराणि विभवनि शाश्वतः नित्यं सन्नीतो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। भिन्नत्व दृष्टि है इस श्लोक में, भिन्नत्व दृष्टि को प्राप्त करो। ज्ञानी जीव न जानने की दृष्टि में रहता है, इसलिए ज्ञानी जीव जानने की दृष्टि में नहीं रहता। ज्ञानी जीव न जानने की दृष्टि में रहता है, जितना कम जानोगे उतना ही स्वयं को जानोगे, और जितना ज्यादा जानने का विचार करोगे उतना ज्यादा आप स्वयं से अज्ञानी बनते चले जाओगे। समझ रहे क्या? जितना कम जानोगे उतना ही स्वयं को जानोगे, जितना आप कम जानोगे उतना ही आप स्वयं को जानोगे, और जितना ज्यादा जानने का विचार करोगे उतना ज्यादा आप स्वयं से अज्ञानी बनते चले जाओगे। ज्यादा जानने की आवश्यकता? ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। कम जानो, कम जानो बहुत है।
अहो आपके पास ज्ञान का क्षोभ तो अल्प है, चाहे आप जिनवाणी को जान लो अथवा उपन्यास पढ़ लो, जानने में बंद नहीं, जानने में बंद नहीं, जानने जानने की दृष्टि में बंद है, जानने जानने की दृष्टि में बंद है। इसी प्रकार से ज्ञाता भाव बंद नहीं करता, इसी प्रकार से ज्ञाता भाव बंद नहीं करता, ज्ञाता भाव में राग भाव बंद करता है। समझ रहे क्या? ज्ञाता भाव बंद नहीं करता, लेकिन ज्ञाता भाव में राग भाव जो है वो बंद करता है। राग भाव बहुत विषय वाला शब्द है। राग भाव जो शब्द है जानने की कोशिश करो बंद नहीं है, लेकिन जानने के राग भाव जो है वो बंद का कारण है। बंद करना है क्या आपको? बंद करना है नहीं, इसलिए बंद का हेतु ज्ञाता भाव नहीं है। बंद का हेतु ज्ञाता भाव नहीं है। हे भगवान, कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में कहा है ज्ञाता भाव बंद नहीं, बंद का कारण राग है। ज्ञाता भाव बंद नहीं, बंद का कारण राग है। इसलिए वीतराग की संपत्ति में लिप्त होकर राग मत करो। जो हमें मिला है वीतराग की संपत्ति, जो देव दर्शन, जिनवाणी सुनना और गुरु का सानिध्य जो मिला है हमें, वीतराग की संपत्ति मिली है, जो भगवान की वाणी मिली है, भगवान की वाणी सुनो लेकिन उसे राग से मत सुनो। भगवान की वाणी सुनो लेकिन उसे राग से मत सुनो। जितना है उतना बस है, लेकिन राग से सुनने की कोशिश करोगे, राग से पढ़ने की कोशिश करोगे, राग से चाहत की कोशिश करोगे तो बंद जरूर होगा कि नहीं होगा? चुलक जी, राग है। हाँ, इस यही करे ना, भक्ति से करो, राग नहीं है वहां पर। भक्ति अलग है, राग अलग है। भक्ति कैसे करते हैं भक्त लोग? राग से भी नहीं कर सकते। भक्त था एक, एक भक्त था, वो भगवान की भक्ति कर रहा था और भक्ति करते करते एक दिन भगवान प्रकट हो गए और भक्त से कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा दे दो। तो भक्त ने राग से भक्ति की थी कि भक्ति से भक्ति की थी? बताओ। विट्ठल की भक्ति कर रहा था एक व्यक्ति, एक संत देव संत विट्ठल की भक्ति कर रहे थे और विट्ठल प्रकट हो गए वहां पर। विट्ठल प्रकट हो गए, प्रकट होने के बाद उसी समय उस संत के, उस भक्त के, क्या कहते हैं इसे आप, त्याच्या मांडीवर गुरुंचा मस्तक होता आणि गुरु विश्रांती करत होते। विश्रांती करत असताना विठ्ठल भगवान, जे भगवान मानत होता तो भक्त, ते भगवान प्रकट झाले। त्यावेळेला भगवंतांच्याकडे राग नव्हतं त्याचा, तो काय केला, जवळ असलेला वीट फेकला, विठेवरी उभा राहा, माझ्या गुरु महाराजांचं विश्रांती पूर्ण होईपर्यंत त्या विठेवर उभा राहा। तुला खरोखर माझ्या भक्तीचं, भक्तीनं प्रसन्न झाला असेल तर तो भक्त होता का तो कम भक्त होता? सांगा, राग नव्हतं तिथं, भक्ती होती, त्या भक्तीला प्रसन्न झाले होते विठ्ठल। त्याच्या रागापोटी प्रसन्न झाले नव्हते। यही कह रहे आचार्य भगवान कि जहां राग है वहां बंद है,
और आप भक्ति कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भक्ति? हम भी पढ़ते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, किस लिए? भगवान प्रकट हो इसलिए नहीं, मुझे खुद भगवान बनना है इसलिए हम भक्ति करते हैं। भगवान प्रकट हो ऐसे अगर भक्ति कर रहे तो वहां पर राग है। भगवान प्रकट हो इस भावना से आप भक्ति कर रहे तो वहां राग है, और खुद भगवान बनने के लिए भक्ति कर रहे तो वह वीतराग है। क्या करना है, राग करना है कि वीतराग करना है? राग कि वीतराग? वीतराग एक राग है कामना करने। इसलिए वीतराग की संपत्ति में लिप्त होकर राग मत करो। बहुत ज्ञानी एक जीव कहता है, जड़ कर्म घुमाते हैं मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। और एक जीव कह रहा है कि राग द्वेष घुमा रहे हैं मुझको। मनुष्यों घुमा कौन रहा है और घूम कौन रहा है? घुमा कौन रहा है और घूम कौन रहा है? एक कार्य में एक ही कारण नहीं होता, एक कार्य में एक ही कारण नहीं होता, एक कार्य में अनेक कारण होते हैं और उनमें से अपने अपने स्थान पर वे सभी कारण प्रबल ही होते हैं। कुछ नजदीक हैं, कुछ दूर हैं, निमित्त हैं, उपादान है। इस बात को आचार्य महाराज कह रहे हैं कि बंद किसने कराया? समय सार जी में 80 नंबर की गाथा और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 12 नंबर का श्लोक, यह दो समझ में आ गए तो दोनों भ्रांतियां समाप्त हो जाएगी आपकी। समय सार में 80 नंबर की गाथा और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 12 नंबर की गाथा समझ में आ गई तो पूरा समझ में आ गया। जो भ्रांति है हमारी, हमें कौन घुमा रहा है, कौन घूम रहा है, हम निमित्त पर दोष डाले बैठे हैं, निमित्त को दोष डालते बैठे हैं। जो निमित्त कुछ करता ही नहीं, निमित्त कुछ करता ही नहीं, घूम रहे कौन? मैं घूम रहा हूं। किस कारण से घूम रहा हूं? मैंने घूमने की टिकट निकाली है, घूमने के लिए टिकट निकाली है। किसने निकाली है? मैंने खुद उस टिकट को निकाला है तो घूमना किसे पड़ेगा? खुद को ही ढूंढना घूमना पड़ेगा कि नहीं? टिकट खुद निकाले ना अपने, तो खुद को ही घूमना पड़ेगा ना। ये 12 नंबर की कार्य का समझ में आ गई तो बस। बहुत ज्ञानी, देव शास्त्र गुरु की उपासना तो चल रही है पर साथ में सिद्धांत के विपरीत श्रद्धा भी दौड़ रही है। देव गुरु शास्त्र की उपासना तो कर रहे हैं हम और उसके साथ सिद्धांत के विपरीत श्रद्धा भी दौड़ रही है। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी कह रहे हैं कि उपासना तो कषाय की मंदता में भी हो जाती है, उपासना कषाय की मंदता में भी हो जाती है और मंद मिथ्यात्व में भी हो जाती है। कषाय मंदता की अवस्था में भी देव शास्त्र गुरु की उपासना हो जाती है और मंद मिथ्यात्व में भी हो जाती है। यह उपासना लोक देशना के लिए भी हो सकती है तथा उपासना में कोई आशा भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। आप शांति मंत्र पढ़ते हो, किस लिए पढ़ते हो? ओम रीम रमसिया उषा नमः सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा। ये जो शांति मंत्र लघु शांति मंत्र है किस लिए पढ़ते हो आप? लोक में जितने जीव हैं, जो तीन लोक में अनंतानंत जीव है, सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा, सभी जीवों को शांति मिले इस भावना से भी आप पढ़ सकते हो और मुझे शांति मिले इस भावना से भी आप पढ़ सकते हो।
पढ़ सकते हो कि नहीं? मंत्र का कुछ दोष है क्या? शांति मंत्र का कुछ दोष है? नमोकार मंत्र का पठन आप स्वयं के लिए भी कर सकते हो और विश्व शांति के लिए भी। भगवान की उपासना, भगवान की आराधना, भगवान की पूजा आप स्वयं स्वार्थ के लिए भी कर सकते हो और विश्व शांति के लिए भी। विश्व शांति की भाव जब तक आप में हैं, तब तक आप वीतरागता के भाव है आप में, और सिर्फ स्वयं की स्वार्थ बुद्धि जब तक है तब तक आप रागी ही हैं। बताओ रागी बनना है कि वीतरागी बनना है? क्या बनना है सेठ जी बताओ? वीतरागी बनना है। आदिदम कादवम जम सक ही पर इदम कादव, अपने से शक्य हो रहे ना भगवान की भक्ति करते समय विश्व शांति मंत्र जाप पठ कर सकते हैं आप? हमारा ही कल्याण नहीं है तो ऊपर का कल्याण क्यों? आचार्य भगवान कह रहे हैं, अमित गति स्वामी कह रहे हैं, सामायिक पाठ में कह रहे हैं और संयमी के लो तो ये रोज का है। संयमी जीव जो है, संयमी जीव सामायिक पाठ पढ़ते समय इसे चिंतन करना ही चाहिए। क्यों? सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं मादस्तभावं विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। आचार्य भगवान अमित गति स्वामी कह रहे सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तो सदा मम आत्मा विदधातु देवः। क्या कह रहे आचार्य अमित गति स्वामी? तुम तुम्हारे आत्मा में रहो, आत्मा से बाहर मत जाओ, तुम स्व समय में रहो, स्व समय से बाहर मत भागो। स्व समय में रहते रहते आप विश्व शांति के लिए भी भगवान की भाव, भगवान के सामने भावना कर सकते हो। जो अंतिम शासक विश्व प्रभु मेरे सामने विराजमान हैं, उन्हें तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ, अभी वो तीर्थंकर नहीं बने थे, भगवान नहीं बने थे, मोक्ष नहीं गए थे, फिर भी उनका बंद है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध का निमित्त ऐसा ठहरा कि वो चक्रवर्ती की अवस्था में जब थे उस समय भगवान के समोशरण में भावना भई, हे भगवान जितने विश्व में जीव हैं बहुत दुखी है सभी जीव, इन सब जीवों का दुख नाश हो, सिर्फ ऐसी सिर्फ ये भावना भाने से भगवान के समोशरण में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ उन अंतिम शासन विश्व प्रभु महावीर स्वामी को, तो उनका कल्याण हुआ था क्या? तो प्रथमान योग से कह सकते हैं, प्रथमान योग से भी कह सकते हो, चारे अनुयोग से भी कह सकते हो आप। प्रथमान योग से आप कह रहे हो सभी जीवों को शांति मिले, अभी आप द्रव्यानुयोग में नहीं घुसे हो ना, प्रथमानुयोग में ही हो, तो प्रथमानुयोग की चर्चा करते समय प्रथमानुयोग की बात करो, द्रव्यानुयोग बाद में ढूंढेंगे, अभी आप द्रव्यानुयोग में नहीं गए हो। आदिदम कादवम जम सकई पर इदम कादवम, आचार्य कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं पहले अपनी आत्मा का कल्याण करो, आपसे साध्य हुआ तो पर का भी कल्याण करो, अपना छोड़ के परों का ही कल्याण करते बैठो, हाँ कहां पर का है नहीं कहे? क्यों? क्योंकि पहले तुम्हारी देखो फिर दूसरों का धोने की कोशिश करो, साध्य है तो दो, धोना ही है ऐसा कहा नियम भी लिखा नहीं, समझ रहे? समझे कि नहीं समझे? समझना ही है, पहले अपनी आत्मा का कल्याण कहाँ है, किस मार्ग में है ढूंढो, फिर उसके साथ साथ जीवों का कल्याण अगर आपसे होता हो तो करो। एक मेरा प्रश्न है शुल्लक जी आपके सामने, आप विहार कर रहे हैं, सम्यक शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं, सम्यक शिखर जी की यात्रा करते समय विहार में रास्ते में एक जीव पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, उस समय तुम्हारी भावना क्या रहेगी? क्यों?
पहले तुम्हारे उपकार करो ना, पहले हमारे उपकार होने दो, बाद में उसका देखेंगे, ऐसे कहो ना। उस समय द्रव्याणु की भाषा नहीं चलेगी वहां पर, वहां पर प्रथमान युग में आना ही पड़ेगा, क्योंकि उस समय तुम्हारा कर्तव्य है, उस समय आपका कर्तव्य है कि उस जीव को अंतिम समय में नमोकार मंत्र सुनाना, उस जीव का यथा योग्य सेवा करना, वो आपका कर्तव्य है। उस समय आप ये नहीं कह सकते अभी मेरा ही कल्याण नहीं हुआ, इसका कल्याण मैं कैसे करूं, ऐसा कह सकते क्या? नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएगा। प्रथमान योग के समय प्रथमान योग से ही रहो, और जब द्रव्याण योग के समय आ जाएगा, जब आप अपने ध्यान में सामायिक में बैठे रहोगे, उस समय प्रथमान योग मत लाओ वहां पर, उस समय आपको द्रव्याण योग ही लाना है, उस समय द्रव्याण योग लाना है। और व्यवहार के समय व्यवहार से रहो, निश्चय के समय निश्चय से रहो। अष्ट कर्म से रहित आत्मा तभी होगा जब पहले आप आत्मा में कर्म बंध स्वीकार करोगे। यह विषय भले ही आपको शुष्क देखेगा, परंतु प्रामाणिकता के नाते बहुत गहरे है, गहरे में समझकर चलना है। यह जीव बंध के अभाव में मोक्ष मान रहा है, तो छुड़ाओगे किसे? यह जीव बंध के अभाव में मोक्ष मान रहा है तो छुड़ाओगे किसे? किसे छुड़ाना है आपको? कर्मों को ही छुड़ाना है, बंधन को ही छुड़ाना है। तो बंधन को छुड़ाना है तो पहले बंध को स्वीकारो, मेरे पास कर्म के बंधन है उसे स्वीकारो, तब आप उस कर्म को छुड़ाने की कोशिश कर सकते हो। पहले मैं कर्मी हूं, पहले इसे स्वीकारो, बाद में आप उस कर्म को छुड़ा सकते हो। बृहद द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमिचंद्र स्वामी ने कहा है, वन्नर सपंच गद्दा दो पासा अट्ट निच्छया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। सात नंबर की गाथा में आचार्य नेमिचंद्र स्वामी कह रहे हैं, बृहद द्रव्य संग्रह में, भोचेतन वर्ण रस गंध आदि में आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म वर्ण रस गंध आदि में नहीं है, यह पौद्गलिक धर्म है। वर्ण गंध जो है, रस जो है, वो पौद्गलिक धर्म है। वर्ण पांच, गंध दो, स्पर्श आठ, रस पांच, निश्चय से हमारी आत्मा में नहीं है, व्यवहार से सिर्फ है हमारे पास, लेकिन निश्चय से मेरी आत्मा में नहीं है। इसलिए मेरी आत्मा अमूर्तिक है, इसलिए मेरी आत्मा क्या है? अमूर्तिक है। व्यवहार में से ये आत्मा मूर्तिक है, व्यवहार में से इस आत्मा को आप मूर्तिक कह सकते हो, लेकिन निश्चय से आत्मा अमूर्तिक है। इसलिए जब तू परमार्थ दृष्टि से देखेगा तो अभूतार्थ है, परंतु व्यवहार दृष्टि से देखेगा तो भूतार्थ है। अतः अभय दृष्टि से देखना, जब तक अभूतार्थ को नहीं समझोगे, भूतार्थ को भूतार्थ नहीं समझोगे, तब तक अभूतार्थ को नहीं छोड़ोगे और भूतार्थ को स्वीकार नहीं कर सकोगे। समय सारजी में आचार्य कुंद स्वामी लिख रहे हैं, समय सार में कुंद आचार्य स्वामी लिख रहे हैं, जह बंदे चिंतितो बंधन बद्धो न पावदि विमुखं, तह बंदे चिंतितो जीवो वि न पावदि विमुखं, जह बंदे चित्तुनया बंधन बंधो य पावदि विमुखं, तह बंदे चित्तुनया जीवो संपावदि विमुखं। क्या कह रहे हैं? बंध को तोड़ने से बंध छूटेगा,
बंधन से बंधा निर्बंधता का चिंतवन करे तो भी नहीं छूटेगा। बंध से बंधा है और बंध रूप स्वीकार ले तो भी नहीं छूटेगा। द्रव्यालोक कहता है, बंधन में पड़ा निर्बंधता को जान रहा है कि सुख निर्बंधता में है तो बंध को छोड़ने का पुरुषार्थ करता है। सुख कहां पर है? बंध में सुख है कि निर्बंधता में सुख है? निर्बंधता में सुख है। निर्बंधता में सुख अगर है तो बंधन को तोड़ने की कोशिश पुरुषार्थ करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। जो छुड़वा रहे हैं वह चरणानियोग है। और कौन छुड़वा रहा है? चरणानियोग छुड़वा रहा है। निर्बंधता का ज्ञान जिसने करा दिया वह द्रव्यानियोग है। जो बांध कर रखे वह कर्णानियोग है। जो बांध कर रखा है वह कर्णानियोग है। निर्बंधता का ज्ञान द्रव्यानियोग है और जो छुड़वा रहे हैं वह चरणानियोग है। जो संकेत कर रहा है कि भैया संभल के चलना वह प्रथमानियोग है। समझ रहे? प्रथमानियोग क्या कर रहा है? थोड़ा संभाल के चलो। चरणानियोग कह रहा है जो छुड़वा रहा है वो चरणानियोग है और जो बांध कर रखे हैं वह कर्णानियोग है और निर्बंधता का ज्ञान जो है वो द्रव्यानियोग है। यदि निर्बंधता के सुख की बात करते हो तो बैल से पूछो, अहो ऋषभ, तूने बंध को समझा है? तेरे सामने हरी घास है, दाने भी रखे हुए हैं, परंतु मौका देखता ही कि मालिक गया कि खूंटे को तोड़ने के लिए पुरुषार्थ प्रारंभ कर देता है। हरी घास को नहीं निहार रहा है, हरी घास को नहीं निहार रहा है। मौका देखते ही मालिक निकल जाने की राह देखता है, देखते मालिक निकल गया, खूंटे से धागा तोड़ दिया और खाने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्योंकि हरी घास में आप सुख को मान रहे हो इसलिए उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। इतना समझ में आ गया कि बस निर्बंधता प्राप्ति हो जाएगी। निर्बंधता के लिए प्रयत्न करो, बंध के लिए नहीं। बंद करोगे तो भटकोगे, बंद करोगे तो भटकोगे और निर्बंध प्राप्त करोगे तो मुक्त हो जाओगे। मुक्ति पाने की कोशिश करो। महावीर भगवान की। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निशुक जो सीतलवानी जन पर।